आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ पॉलिटिशियन जो बचपन में इस तरह दिखते थे और बाद में आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ी मुकाम हासिल की। यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह पीएम नरेंद्र मोदी के बचपन की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी ने संघ के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, आगे चलकर वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। आडवाणी कभी भी अपना लोकसभा चुनाव नहीं हारे थे। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। यह तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी की है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उत्तराखंड के क्षेत्रीय परिवार में जन्मे आदित्यनाथ एक समय नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे, फिर भी उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ पॉलिटिक्स में उतरे और आज वे योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं और वे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट फोटो के बारे में बात करेंगे। यह अरविंद केजरीवाल है। उनके बचपन की यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। अरविंद केजरीवाल IRS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। मौजूदा समय में वह दिल्ली के CM भी हैं। इस फोटो में आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह देश की बड़ी नेताओं में शुमार थी। सुषमा स्वराज ने ABVP के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और फिर दिल्ली की CM व केंद्र में मंत्री तक रही। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह स्मृति ईरानी के स्कूल के दिनों की फोटो है। स्मृति ईरानी ने मनोरंजन की दुनिया में नाम कमाया और फिर उसके बाद राजनीति में आ गई। आज के इस वीडियो में मेरा मोटो इस तस्वीर को शेयर करना नहीं है, मेरा मोटो यह है कि आप इस तस्वीर को देखें और इनसे मोटिवेट हो कि इन्होंने कैसे अपने बचपन की जिंदगी को बिताया और बाद में चलकर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप सकारात्मक विचार के साथ कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो एक ना एक दिन आप बहुत जल्द सफल होंगे। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।